सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम वापस से एक एंजल रीडिंग करेंगे, ओरेकल रीडिंग करेंगे। बेसिकली ये रीडिंग से हमको थोड़ा बहुत यू नो इंस्पिरेशन मिलता है, एक फेथ हमारी इसमें बढ़ती है। सो बेसिकली मैं ये रीडिंग्स इसीलिए करती हूँ ताकि आपको आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें थोड़ा आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल सके, आपका बिलीफ स्ट्रांग हो सके, आपकी फेथ बढ़ सके। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक वो स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पर्पस वही होता है कि मैं ये रीडिंग आपको थोड़ा बहुत यू नो बूस्टअप कर सकूँ, आपकी एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव बना सकूँ, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ यूनिवर्स का गाइडेंस आपको मिले, ताकि अगर आप कन्फ्यूज्ड हो, अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ हद तक एक बहुत ज़्यादा करेक्ट डिवाइन गाइडेंस आपको मिले, ठीक है। सो लेट्स सी आज आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है, ठीक है। सो जस्ट लेट्स पिक अ कार्ड, ओके। सो आई लव दिस डेक, बहुत ही सुंदर कार्ड्स है ये। सो मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेती हूँ एंड हम फटाफट से एक कार्ड पिक करेंगे एंड इट विल बी योर डिवाइन गाइडेंस ऑफ राइट नाउ। जो भी सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप, ठीक है। सो लेट्स सी क्या मैसेज मिलता है आपको। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, ट्राई टू कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड जस्ट बी ओपन टू रिसीव द डिवाइन गाइडेंस, ओके। ओके, मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे एंड लेट मी फोकस। एज यू कैन सी द मैसेज इज लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सो गाइस, इस वक्त आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में, अबाउट योर डिजायर्स मैनिफेस्टेशंस, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लेट गो एंड ट्राई टू लर्न ये थिंग जो आप हमेशा से यू नो देखते आ रहे हो कि हम हमेशा लेट गो का बोलते हैं, करते हैं कि एक टाइम के बाद आपको लेट गो करना है। सो दिस इज़ द हाई टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज, डाउट्स, डेस्परेशन एंड ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस जो आपको फील हो रहे हैं एंड जस्ट यू नो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जस्ट हैव फेथ, कीप गोइंग एंड जस्ट बी इन दिस मोमेंट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, ओके। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू राइट नाउ, ठीक है। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है इस वक्त, जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट से टू योर सेल्फ के गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है एंड आप उतने स्ट्रांग हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो जस्ट यू नो कीप काम एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। सो ये है आज का मैसेज एंड आई होप आपको ये रीडिंग, ये मैसेज हेल्पफुल लगे होंगे। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।